Hi friends, this is Chavi and I welcome you all in our official YouTube channel Make My Exam. So friends, in this session we are going to compare two accounts. First is saving account and second one is current account. तो आज इस session में हम compare करने वाले हैं बचत खाते को और चालू खाते को. कैसे compare करेंगे? We will discuss किन लोगों के थ्रू ये सेविंग अकाउंट ओपन किया जाता है और किन लोगों के लिए बेसिकली करंट अकाउंट है. फाइन, द सेकंड पॉइंट वी विल डिस्कस इज इंटरेस्ट. क्या सेविंग पे इंटरेस्ट दिया जाता है तो कितना, क्या करंट पे अकाउंट दिया जाता है इंटरेस्ट दिया जाता है तो कितना दिया जाता है. नाउ द नेक्स्ट इज डिपॉजिट फैसिलिटी एंड द नेक्स्ट इज विड्रॉल फैसिलिटी एंड लास्ट फीचर इज ओवरड्राफ्ट. सो फर्स्ट इज ओपन बाय. सो फ्रेंड्स, सेविंग अकाउंट इज मेनली ओपन बाय स्टूडेंट्स, पेंशनर्स एटसेट्रा, बट करंट अकाउंट इज मेनली फॉर बिजनेसमैन ऑर्गेनाइजेशंस स्कूल्स कॉलेजेस एटसेट्रा. फाइन, नाउ इसका मतलब अगर हम बात करते हैं सेविंग अकाउंट की तो नॉर्मल पीपल के लिए ये अकाउंट बनाया गया है. मैं और आप भी सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, पेंशनर्स, तो बहुत सारे लोगों के लिए सेविंग अकाउंट बनाया गया है. लेकिन करंट अकाउंट की बात करते हैं तो बिजनेसमैन और बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स के लिए ये मेन अकाउंट बनाया गया है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट. यस, सेविंग में इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, लेकिन या इंटरेस्ट दिया जाता है, इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है, बट करंट अकाउंट के लिए कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करती है जनरली बैंक्स. नाउ इफ आई टॉक अबाउट डिपॉजिट फैसिलिटी, सो डिपॉजिट इज अलाउड इन द सेविंग अकाउंट बिकॉज ये डिपॉजिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ही सेविंग अकाउंट बनाया गया है. अगेन इफ आई टॉक अबाउट करंट अकाउंट, सो अगेन डिपॉजिट फैसिलिटी इज ऑल्सो अलाउड इन करंट अकाउंट. इसका मतलब एनी टाइम डिपॉजिट इज अलाउड इन द सेविंग एंड करंट बोथ. बट इफ आई टॉक अबाउट विड्रॉल फैसिलिटी, सो एनी टाइम विड्रॉल इज नॉट अलाउड. सर्टेन लिमिट्स है, सर्टेन नंबर्स तक ही आप उस अकाउंट में से विड्रॉल कर सकते हैं. लेकिन अब यहां बात करते हैं किसकी, करंट अकाउंट की. सो करंट अकाउंट में आपको कोई भी लिमिटेशंस प्रोवाइड नहीं किए गई है, इसलिए करंट अकाउंट का फीचर है एनी टाइम विड्रॉल फैसिलिटी. फाइन, नाउ इफ आई टॉक अबाउट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, सो दिस फैसिलिटी इज एसोसिएटेड विद सेविंग, नॉट विद सेविंग अकाउंट, बिकॉज दिस फैसिलिटी इज एसोसिएटेड विद करंट अकाउंट. यस, करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए ही ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है, जिसके अंतर्गत ओवरड्राफ्ट की अगर बात करते हैं तो एडवांस का एक ये क्या है, फैसिलिटी है. एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा करंट अकाउंट होल्डर्स इसमें से अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं और उसी पे इंटरेस्ट रेट या इंटरेस्ट लगाया जाता है. नाउ फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में और क्या क्या डिफरेंसेस हैं. सो अगर फ्रेंड मैं किसी कंपनी की ओनर हूँ, ठीक है, और फाइन, या फिर मेरा कोई इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन है. सो फ्रेंड्स, मेरे पास स्टूडेंट्स का फीस आएगा, ठीक है. तो हो सकता है आज का मेरा जो डिपॉजिट है, मेरे पास जो बैलेंस है वो है 5 लाख. तो मुझे डिपॉजिट करना होगा कहाँ, बैंक में, ठीक है. उसके बाद मुझे डे आफ्टर टुमारो मुझे 6 लाख का विड्रॉल करना है, तो मैं किस अकाउंट से करूंगी, अगेन करंट अकाउंट. तो डेली का जो ट्रांजेक्शन है कि आज 2 लाख जमा कराना है, कल 3 लाख निकालना है और डे आफ्टर टुमारो मुझे फिर से 2 लाख जमा करा के फिर से अगेन उसके अगले दिन ही मुझे 7 लाख रुपीज का विड्रॉल करना है. तो डेली का ट्रांजेक्शन्स है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है, विड्रॉल बहुत ज्यादा है, तो किस अकाउंट का फीचर है आपका, करंट अकाउंट का. फाइन, और सेविंग में आपके लिमिटेशंस होते हैं कि इतने तक ही आप सेविंग में डिपॉजिट करा सकते हैं, लेकिन करंट अकाउंट में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं होता है. फाइन, इसीलिए, और जब डेली का ट्रांजेक्शन होता है तो जनरली बैंक उस पर कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है फ्रेंड्स, 0 इंटरेस्ट, ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम बैलेंस की बात करते हैं तो जैसे कि हमने फीचर्स में पढ़े थे कि सेविंग अकाउंट के अलग फीचर्स हमने डिस्कस किए थे और करंट अकाउंट के अलग फीचर्स हमने डिस्कस करे, तो यहाँ पे सेम अगर हम बात करते हैं किसकी, मिनिमम बैलेंस की, तो यस, दोनों ही डिपॉजिट्स में, दोनों ही अकाउंट्स में हमें क्या कराना पड़ता है, एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है. अगर वो मिनिमम बैलेंस हम लोग मेंटेन नहीं करते हैं, या फिर बिजनेसमैन कॉरपोरेट या फिर सेविंग में भी हम मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं, तो बैंक हमें पेनलाइज करती है और जब भी हम अगला जो पैसा देते हैं, डिपॉजिट कराते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे कट हो जाता है. पर चार्जेस होते हैं जो हमें
पे करने होते हैं अगर आप उसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो. फाइन. नाउ अगर हम यहाँ बात करते हैं सेविंग और करंट की, जैसा भी हम एक सेशन में भी फिर से बता चुके हैं कि सेविंग का हम बोलते हैं शॉर्ट में SA एंड करंट को बोला जाता है क्या CA, एंड बोथ टर्म्स आर नोन एज कासा, मींस करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट. अब ये जो टर्म है वो मैंने नहीं बनाई है, ये एक बैंकिंग टर्मोलॉजी है, उसे कहते हैं कासा. जब हम नेक्स्ट सेशन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे RD और FD के फीचर्स भी डिस्कस करेंगे. तो RD को बोला जाता है रिकरिंग अकाउंट मींस RA, और FD को बोला जाता है फिक्स्ड अकाउंट मींस FA, और इस पूरी टर्मोलॉजी को बोला जाता है क्या, या टर्म को बोला जाता है राफा. सो कासा प्लस राफा इज इक्वल टू NDTL. तो यही कासा होता है आपका क्या, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट. सो आई होप यू एंजॉय दिस सेशन. कीप वॉचिंग आवर चैनल, मेक माई एग्जाम. आई विल कम बैक सून. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.